इन तिथियों का लाभ लेना ना भूलें। 16 नवंबर विष्णुपदी संक्रांति, पुण्यकाल सूर्योदय से दोपहर 12:24 तक। विष्णुपदी संक्रांति में किए गए जप, ध्यान व पुण्य कर्म का फल लाख गुना होता है, ऐसा पद्म पुराण में बतलाया गया है। 20 नवंबर रविवारी सप्तमी, सूर्योदय से रात्रि 1:58 तक। इसमें किया गया जप, तप व ध्यान कई गुना फलदायी होता है। 28 नवंबर सोमवती अमावस्या, दोपहर 3:21 से 29 नवंबर सूर्योदय तक। 7 दिसंबर बुधवारी अष्टमी, सूर्योदय से रात्रि 2:05 तक। इस दिन किया गया जप, तप व ध्यान कई गुना फलदायी होता है। 10 दिसंबर मोक्षदा एकादशी, यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला व्रत है। नीच योनि में पड़े पितर भी इसके पुण्यदान से मोक्ष पाते हैं। 15 दिसंबर षडशीति संक्रांति, पुण्यकाल दोपहर 12:33 से सूर्यास्त तक। षडशीति संक्रांति में किए गए जप, ध्यान व पुण्य कर्म का फल 86,000 गुना होता है।